गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथ्स का सवाल देखेंगे, है ना। सीबीएसई बोर्ड का, कौन सा बोर्ड का? सीबीएसई 10th का। मैथ्स का पैटर्न पहले देखिए, चार सेक्शन में सवाल पूछा जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, है ना। सेक्शन वन में 6 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरिज 1 मार्क, यानी 6 मार्क्स हो गया। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन दो दो मार्क्स का होता है, 12 मार्क्स। सेक्शन सी में जो है 10 क्वेश्चन होता है, तीन तीन मार्क्स का, 30 नंबर हो गया। सेक्शन डी में 8 क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स यानी 32, टोटल जो है 80 नंबर्स का एग्ज़ाम होता है आप लोग का। सेक्शन ए आज हम लोग कुछ सवाल देखेंगे और कल भी देखेंगे। एग्ज़ाम आप लोग का 7 तारीख से है ना। जो लोग नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट्स मिलते रहे, है ना। कौन कहता है पता नहीं, अरे कोई है उस हद तक गया ही नहीं, है ना। लोग कह देते हैं सवाल बहुत जटिल होते हैं, मैं कहता हूँ कि कौन कहता है पता नहीं। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, कोई उस हद तक गया ही नहीं, है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हो सवाली को आगे बढ़ाते हैं, सवालों की सिलसिला को शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल सॉल्यूशन के साथ। राइट द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin²θ। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin²θ इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। दूसरी सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन x² + 5kx + 16 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए रूट्स रियल है, इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac0, बी का वैल्यू 5k² - 4×1×16 = 0, 25k² - 64 = 0। राइट साइड में ले जाइए, k² = 64/25, k = ±√64/25, यानी के का जो वैल्यू आएगा ±8/5। चलिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से है। कह रहा है इफ़ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट से शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, है ना। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? देखिए टावर दिया गया है, उसका हाइट है 30 मीटर, शैडो का हाइट दिया गया है 10√3, टैन थीटा अप्लाई करेंगे, है ना। परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, टैन थीटा 30/10√3 कट गया 3, अब रेशनलाइज कर दीजिए, रूट नीचे में खराब लग रहा है, √3 √3 √3 कैंसिल, tan θ√3 में √3 किसका वैल्यू 60 डिग्री का, θ 60 डिग्री, यानी दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए स्टेप वाइज मार्क्स मिलता है, इसलिए लैंग्वेज लिखने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए हम लोग चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट द HCF ऑफ 3×5.5×2×3×2। देखिए HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में जो कॉमन मिलता है वही होता है। अगर पावर में दिया गया है 3×3, 3×2 को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, और 5 में क्या है, 5×1 है, यहाँ 2 है, तो लोवेस्ट पावर वाला HCF कहलाता है। ऐसे सिंपली समझिए इसको, क्या है, 3 3 बार लिखिए, 5 को 2 बार 3 को 2 बार, दोनों में मिल रहा है उसको घेर दीजिए और उसके बाद मल्टी 45 इज द राइट आंसर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट −4 −7 फ्रॉम, देखिए वाई एक्सिस से अगर पूछेगा डिस्टेंस तो एक्स कोऑर्डिनेट का क्या लेंगे हम लोग, मोड ले लेते हैं। अगर एक्स एक्सिस पूछता तो वाई कोऑर्डिनेट का मोड ले लेते हैं, है ना। पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस ऑफ इतना कैलकुलेट करिए। चलिए अगला सवाल, छठा सवाल। व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, एंड
What is the CF of the smallest prime number and the smallest composite number? ये छठा सवाल है. Smallest prime number 2 होता है, smallest composite number 4 होता है. दोनों का CF of 2 and 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना. इस तरह से हम लोग आज सवालों की छोटी सी पेशकश, है ना. फिल्म का ये ट्रेलर है दोस्तों, पूरी फिल्म बाकी है. ठीक, चैनल को एक बार प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, ताकि नए नए अपडेट और फिर पूरी फिल्म देखने को आप लोग को मिलेगा. दैट्स ऑल.